नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। तो दोस्तों, कई बार यह देखने में आता है कि हम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम विपरीत परिस्थिति में घबरा जाते हैं और अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। आइए, इस वीडियो के द्वारा हम समझते हैं कि विपरीत परिस्थिति का हमें कैसे सामना करना चाहिए। बात 15 जनवरी 2009 के दोपहर की है, जब यूएस एयरवेज की फ्लाइट नंबर 1549 150 यात्री लेकर न्यूयॉर्क सिटी के हवाई अड्डे से उड़ान भरती है। उड़ान भरने के 3 मिनट होते ही हैं कि वह विमान पक्षियों के झुंड में फंस जाता है और उसके दोनों इंजन गंभीर रूप से डैमेज हो जाते हैं। इंजन को फिर से शुरू करने के बार बार के प्रयास असफल रहते हैं। पायलट ATC को यह सूचित करता है कि वह हवाई अड्डे पर लौट रहा है। हालांकि बाद में दोनों पायलट बिना कोई क्षण गवाए इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वे आसपास के किसी भी हवाई अड्डों तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसके तुरंत बाद पायलट ATC को यह सूचित करता है कि वह हडसन नदी में एक बहुत ही जोखिम भरे और दुर्लभ वाटर लैंडिंग का प्रयास करने जा रहे हैं। पक्षियों के टकराने के करीब 3.5 मिनट के बाद विमान नदी में लैंड करता है। कोई भी जान माल का नुकसान नहीं होता है और सारे के सारे पैसेंजर एरोप्लेन से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। इस घटना के बाद एरोप्लेन के पायलट कई लोगों के लिए एक राष्ट्रीय नायक बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें हडसन नदी में उतरने के उनके फैसले की आलोचना भी करते हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड द्वारा एक लंबी जांच में यह निष्कर्ष निकलता है कि हडसन नदी में प्लेन को लैंड कराने का जो पायलट का जो फैसला था, वह फैसला बिल्कुल उचित था और उस समय के अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश कैप्टन के पायलट को लोगों की जान बचाने के लिए धन्यवाद भी करते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो से हम क्या सीख सकते हैं? पहली सीख, लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड, अनिश्चितताएं कभी भी आ सकती हैं, उसका डटकर सामना करें। देखिए, दोनों पायलट समस्या आने के बाद घबराए नहीं और समस्या के समाधान की ओर ध्यान दिए। उसी तरह जब आपके सामने कोई समस्या आए तो आप उस समस्या का सॉल्यूशन खोजें, क्योंकि जिंदगी में जो समस्याएं आती रहती हैं, हमें उसका समाधान निकालना है, ना कि समस्या से घबराना। संकट में शांत रहें और अपने हिम्मत पर भरोसा रखें। वीडियो से हमें दूसरी सीख यह मिलती है कि हमें कैसे क्विक डिसीजन लेना चाहिए। देखिए, बिना कोई टाइम गवाए दोनों पायलट यह निर्णय ले लेते हैं कि वह आसपास के हवाई अड्डे पर तो नहीं पहुंच पाएंगे और फिर वह एरोप्लेन को नदी में लैंड करने का फैसला लेते हैं, जिससे सारे यात्रियों की जान बच जाती है। अब वीडियो से हमें तीसरी सीख यह मिलती है कि जिंदगी में आप जो भी करें उसमें हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें, अपने फैसले पर दृढ़ रहें और अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ें। देखिए, पायलट को अपने फैसले पर पूरा विश्वास था और उसके बाद जो हुआ वह हमारे सामने है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत में क्या हुआ, आपने अपने अतीत में कितने भी अच्छे और बुरे फैसले लिए हों, आपको केवल लोग आपके वर्तमान के निर्णय से ही पहचानते हैं। इसलिए आप अपने अतीत के अच्छे बुरे निर्णयों को भूलकर वर्तमान में अच्छे निर्णय लेने की कोशिश करें। पायलट को यहाँ 40 साल का अनुभव था, फिर भी उन्हें सिर्फ उनकी ये 3 मिनट की फ्लाइट से ही जज किया गया। चौथी सीख, यह घटना हमें टीम में काम करना सिखाती है। देखिए, 150 यात्री को विमान से बाहर निकालना, वो भी बीचों बीच नदी में, यह काम कोई अकेले तो कर नहीं सकता। और किसी ने बिल्कुल सही कहा, अलोन वी कैन डू सो लिटिल एंड टुगेदर वी कैन डू सो मच। इस घटना को न्यूज़पेपर ने मिरेकल ऑन हडसन रिवर का नाम दिया। क्या पता ऐसा चमत्कार शायद आपके हाथों लिखा हुआ हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे एक और प्रेरणास्पद कहानी लेकर। अपना ख्याल रखें, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।